का सिलसिला जारी रखते हुए चलिए बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें करीब 71 प्राइवेट कंपनियों ने हिस्सा लिया। जिला प्रशासन और कंपनियों का दावा है कि 13,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार मेले में इतनी अधिक भीड़ थी कि आधा दर्जन से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के काउंटर लगाने पड़े। अधिकारी सहित कई सांसद भी इस मेले में मौजूद थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्रीमान ज्योति सिंधिया जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी पूरे संगठन की और सरकार की बड़ी स्पष्ट मंशा है कि नौजवानों को रोजगार के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करें, पैदा करें। उसके लिए सरकार हमारी निरंतर काम कर रही है और रोजगार के अवसर पैदा हों, रोजगार मिले। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने भी हमारे शासकीय सेक्टर, उनमें तो भर्ती जारी है ही, और उसके उपरांत प्राइवेट सेक्टर में हमारे युवाओं की अधिक भागीदारी कैसे हो। मैं ऐसा मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जाने से हमारे युवाओं के लिए और काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों से और यहाँ की जो सरकार है उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हमने आज हमारे कंपनी में, हम अभी आज की तारीख में हमारे कंपनी में करीब 600 महिलाएं काम करती हैं, जिसको हम एक साल के अंदर 2,500 से 3,000 में ले जाना चाहते हैं। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो मेन कंपनी है वो बैंगलोर कर्नाटका में है हमारा हेड ऑफिस। अब वो उसकी जो ग्वालियर में हमारी जो उसकी शाखाएं रन होती हैं, अब उसको हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। ग्वालियर में आज एक विशेष रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इस रोजगार मेले में करीब 13,000 लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बेरोजगारों की एक जो फौज है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और पंजीयन के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन चार काउंटर लगाए गए हैं। और काउंटर पर जो भीड़ उमड़ रही है उसको देख के लगता है कि बेरोजगारी की दर अभी तक कम नहीं हुई है। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की तलाश करने के लिए यहां पर जो रोजगार मेला लगाया है, इसमें जो काउंटर है उसमें कहीं ना कहीं लोग अपने पसंद की जॉब तलाश रहे हैं। उसमें टेक्निकल है, ऑपरेटर की है, ट्रेनिंग वर्कर है, मशीन ऑपरेटर है, इस तरह से हर अपने पसंद की लोग पसंद करना चाह रहे हैं। क्या रोजगार मेले में आए हो आप? हाँ सर, रोजगार मेले में आए। सर मैंने बीए किया है, ग्रेजुएशन। जॉब तो सर हमको कोई भी मिल जाए, क्योंकि बेरोजगार है तो जॉब तो कोई भी चलेगी। इंटरव्यू अभी कुछ नहीं हुआ सर। आप लोग कैसे आए? सर रोजगार के लिए आए। हाँ अभी जा रहे हैं, पर्ची अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी जा रहे हैं। सर किस सेक्टर में जाना चाहते हैं? सर टेक्नीशियन सेक्टर में जाना चाहते हैं, आईटीआई की है सर। जो रोजगारों की तलाश है और सबसे बड़ी बात है जो कतारें लग रही हैं, उसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी हैं, यानी कि गर्ल्स भी काफी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और उनसे जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आए हो, किस तरीके की नौकरी चाहिए आप? मेरा तो डिसाइडेड नहीं, आप उससे पूछ लीजिए। तो बेटा ये कौन सी तलाश में आए हो, किस तरीके की नौकरी चाहिए तुम्हें? हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, हमने सेकंड ईयर चल रहा है बीकॉम से और कंप्यूटर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज जो रोजगार मेला लगा, इससे कुछ हेल्प मिली आपको? अभी तो लाइन में लगे हैं, अब देखते हैं हेल्प मिलती है या नहीं। अभी नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन के लिए लोग तलाश कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात और भी लोग जुड़ने, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप देखते हैं कि किस तरीके का भैया जो रोजगार मेला लगा है, ये किस तरीके का जॉब तलाश रहे हैं? भैया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब तलाश रहे हैं। क्या किया आपने? मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया हुआ है, प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली एंड बीकॉम। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, आप देख सकते हैं जो कतार लगी हुई है, कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि ग्वालियर में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। और बेरोजगारी के साथ साथ आप जो देख रहे हैं माहौल, उसमें 13,000 पद देने का दावा इस रोजगार मेले में किया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं भीड़ दिखाई दे रही है इस रोजगार मेले में, उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनों को नहीं, ये तो आज के मेले के समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।